फाइनली आ गया हूँ। अभी जो ये लोकेशन है ना, देख लो आसपास में जो रेगिस्तान यहाँ पे फेमस मॉन्यूमेंट है, एक रेगिस्तान यहाँ पर भी, बुखारा में भी है, उसके अपोजिट लेन में है। पहले चलता हूँ मैं एटीएम के लिए, एक एटीएम देखता हूँ ऐसे निकालने हैं। ये कुछ मार्केट एरिया है, पहले एटीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पेमेंट ज़रूरी है। पैदल चलना पड़ेगा यार, बस के यहाँ पे कुछ समय में नहीं आ रहा है सर्विसेज क्या है क्या नहीं है। मैं जो बस लेके आया था वो 268 थी, 268 और सॉरी 368। तो 368 बस में आप बैठ के नियर बाई लोकेशन तक उतर सकते हो, फिर अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे है कितना है वो चलने के बाद मालूम चलेगा, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, देख सकते हो। तो फिलहाल ये आसपास का एरिया है, ये बस स्टॉप है जहाँ मैं उतरा हूँ शिवाकी, यही सब है फिलहाल। बाकी जाता हूँ देखता हूँ, फिर बताऊँगा आपको आगे क्या है। एटीएम पे देखता हूँ एटीएम किधर है, देखो आसपास सब कुछ ऐसा है। अरे मैं उधर से पूरा घूम के आ गया, बगल में एटीएम है, ये रहा एटीएम, निकालते हैं पैसा। जाना हमें है उस साइड पे, जितनी भी वो दिख रही है स्ट्रक्चर बिल्डिंग, पैसे निकाल के फिर चलते हैं उस साइड पे। कुछ जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वहाँ स्ट्रीट पे मार्केट लगी हुई है, छोटी छोटी सी है। देखो एक तो ये है, ये नॉनवेज के लिए है। बाकी जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ, अगर वहाँ नियर पर पहुँचता हूँ तो जो बस अवेलेबल होगी आसपास में वहाँ पे आई तो होगी होगी, तो वो बस का मैं नंबर देख के आपको अपडेट कर दूँगा। तो आप किसी भी लोकेशन में रहो सो यू कैन टेक दैट बस। ये रही रोटियाँ, तो वो इजी हो जाएगा। बट नियर बाय मेरे को जो दिखा यार, अभी तक जो पास में आ रही है बस है वो 63 नंबर बस है। हेलो 63 बस नंबर है, 63 आप लेके आ सकते हो फिलहाल। और ये आसपास का एरिया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ सामने टावर पे, वो है बुखारा टावर, उसी के आसपास में है रेगिस्तान स्क्वायर, मीन्स रेगिस्तान ओनली इट्स नॉट स्क्वायर, तो रेगिस्तान के नाम से है। देख लो भाई आसपास का, ये जो सामने मैरून कार आ रही है ना, ये छोटी वाली, ये सोवियत टाइम की कार है, अभी भी यहाँ पर यूज़ हो रही है और सही चलती है भैया, मस्त मॉडिफाई करके टायर लोग ने चेंज करके मस्त गाड़ी बना रखी है। ये रही ट्रक यहाँ की, देख लो भाई ट्रक, काला ही ट्रक है, घर लग रहा है। सो कुछ ऐसे घर होते हैं भाई, देख लो ये पूरा नियर बाई का टावर पे पहुँचता हूँ, उसके आसपास दिखाता हूँ। ये है बुखारा टावर, खूबसूरत है ना, और इसके जस्ट सामने ही है आर्क ऑफ बुखारा, वो आपको सामने जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है। आर्क ऑफ बुखारा 5th सेंचुरी AD में बना था, और ये फोर्ट्रेस है एक्चुअल में। सो तब से ये अभी फ़िलहाल तक यहाँ पर खड़ा है, बेशक पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे मस्जिद है देख लो, ये पानी यहाँ पे किस लिए है पता नहीं, तो कुछ इतना ह्यूज दिखता है देख लो आर्क ऑफ बुखारा। तो यहाँ का एक वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क है आर्क ऑफ बुखारा, विच इज़ अ फोर्ट्रेस एंड इट वाज बिल्ड इन 5th सेंचुरी AD। तो कुछ देख लो भाई नज़ारा, फोर्ट्रेस पहले के कैसे हुआ करते थे, इन वॉल्स के बीच में ना लकड़ियों को लगाया गया है, बिना वजह तो लगाया नहीं गया, सपोर्ट के लिए भी होते हैं बहुत सारे ये, देख लो भाई सच्ची यार, सामने से देख के लग रहा है जैसे कि पुराने ज़माने में चले गए हो। यहाँ पे हालत ख़राब है, सो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, उधर कहीं से पूरा ख़राब हो रखा है, इधर का मेंटेन हो रखा है पूरा। चलते अंदर देखते हैं टिकट का कितना है, और ये सामने देख लो फिर से भाई। तो मैंने टिकट ले लिया है, ये रही टिकट, ये रही एंट्री, वो रहा काउंटर, अब जाना है सीधे अंदर। टिकट की जो प्राइस है 40,000 सोम है, 40,000 करीब 200-300 बनते हैं। यह ऊपर जाने का था, इसको बंद कर रखा है, अगेन सारी पुरानी चीज़ें, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। ये चार मीनार भी है, यहाँ भी जाना है। ऐसे कमरे हुआ करते थे, ये सुराही, ये है एक्चुअल फोटोग्राफ जब ली गई थी, अगेन पोशाक, वही सारी शॉप्स, टिकट कोई मतलब ही नहीं बनता। सो ये पहले की वो हुआ करती थी पोशाक जो आर्मी उनकी हुआ करती थी, ये चेस्ट के लिए था, तलवार ढाल भाला, माय गॉड, और ये पहले की बंदूकें। सो अब आ गए हैं ऊपर फोर्ट्रेस के, अब हर जगह पे पैसे नहीं देने होंगे। नमस्ते नमस्ते, तो कुछ ऐसा है देख स्ट्रक्चर, जो वुडन को जो तराशा गया ना वो बहुत काबिल तारीफ़ है। इधर भी दिया हुआ है बट पहले
ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। अगेन सोवेनियर्स जितने भी हैं सारे। ये ओरिजिनल गेट है बंद है। सी भाई देखो, सिर्फ ये वॉल है और लकड़ी के ऊपर पूरा बना रखा है लोगों ने, पूरे इस स्ट्रक्चर को लकड़ी के ऊपर खड़ा किया गया है। क्या ही कारीगरी है। सारे गेट्स को बंद कर दिया गया है पीछे से, कोई भी गेट खुले नहीं है। चलते हैं आगे। ये आर्ट है यहाँ पे यूज़ हुई है, सी लकड़ी का देखो काम। दिस इज़ द कारीगरी। ऊपर का पार्ट देखो कितना अच्छा, ऊपर के पार्ट में ना अच्छी मेहनत की गई है। दिस इज़ हाउ ये जो एनकार्विंग करते हैं इसके ऊपर। हेलो। सो ये सारा जो ना ब्रास था उसके ऊपर सारा कुछ काम हो रहा है। चलते हैं दूसरे साइड पे। आर्क इधर क्या है भाई, देखते हैं। गलियारे में एक गली में आ गए, कोई कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, क्या है क्या नहीं है। नमस्ते। छोटे बच्चे हैं भाई, इंटरेक्ट करते करते हैं। और गेट देखो इसकी में, गेट देख रो। हेलो। कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं है। जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ, कोई कुछ एंट्रेंस का आता पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। सो ये बस ऐसे ही कमरे बना रखे हैं, मॉडर्न कमरे, और कुछ नहीं है। सी प्रॉपरली चीज़ें मेंशन नहीं की इन लोगों ने इसमें। भाई मैंने तो घूम लिया। सो भाई इस पूरे फोटोस में कहीं ना कुछ चीज़ें दबी हुई हैं मिट्टी के नीचे, जो ऑलरेडी इसमें से आधे से निकाली जा चुकी हैं और निकाल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो वहाँ तक पूरा वो सब कुछ खोदा जा चुका है। और देखो एक ही बड़ा सा गड्ढा है, काइंड ऑफ वेल काइंड ऑफ है, या पानी होने के लिए मे भी कुछ। अभी सिर्फ दो ही चीज़ें मिली हैं इसमें, बाकी देखते हैं और क्या क्या मिलता है इसके अंदर से। देख लो भाई, अभी इधर तो कुछ नहीं मिला खुदाई में इन लोगों को, आगे की तरफ है, आगे की तरफ चलना पड़ेगा। सो ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये मॉस्क है जो कि नाम है कालान मॉस्क। इस फोर्ट्रेस के जस्ट पीछे ही है ये, तो देख सकते हो यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, पूरे शहर का नज़ारा भी दिख रहा है क्लियर एकदम। वहाँ से देख रहे हो मॉस्क की जो स्टार्टिंग इधर से शुरू हुई है और वो उधर पीछे 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 देखे उस एंड तक जा रही है। और ऐसे यहाँ पर ना बहुत सारे मदरसे हैं, मॉस्क और मदरसा, और सबका स्ट्रक्चर और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो समरकंद बुखारा सिमिलर है, क्योंकि जब यहाँ पे आमिर तैमूर आए थे तो ये सारा कुछ जो है प्रेजेंस में आया था, स्ट्रक्चर वगैरह जितना भी है। ये चीज़ें यहाँ पे ना ढूंढी गई हैं, क्या है वो देखने वाली बात है। ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। सी ये रही इसकी फोटोग्राफ जो सामने है, और ये एक्चुअल में ऐसा हुआ करता था। एक वो ऊपर है वहाँ भी जाने के लिए अंदर दिया है, बट वो रिस्की है, वहाँ जा नहीं सकते अंदर साइड में, छोटे छोटे जो दिए हैं क्योंकि वो एकदम बंजर हो रखे हैं, ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं पूरे के पूरे। अब इनको या तो दोबारा से आप रीबिल्ड करो तो वो बात नहीं होगी, जो आपकी ओरिजिनलिटी में रहती है, जो चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, जो पहले जैसी होती हैं। सो कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिली है खुदाई में। सी स्टोन्स, ये पहले के वो पत्थर जो यूज़ हुआ करते थे, देख लो खंजर आग जलाने के लिए कुछ इस तरीके से। स्टोन्स जो एकदम तीखे वाले होते हैं, ये जो पहना करते थे वो है रिंग्स। सी कुछ इस तरीके से ये पहले के, चार से छः ये सारे के सारे छोटे वाले बाउल्स हैं, एक से तीन जो हैं वो गॉबलेट्स हैं ऊपर रखे हुए हैं, एक दो तीन। पहले के समय में भाई क्या ही गजब चीज़ें हुआ करती थी। वाह इसको देखो जूम करने पे, 10th नंबर पे क्या है, ये साइट वही है जो अभी मैं देख के आ रहा हूँ, सब कुछ वहीं से निकाला गया है। वॉल पे आर्ट जो बनी हुई है प्रॉपर, ये फॉसिल, फॉसिल क्या सिर्फ पत्थर से बना हुआ है।
पहले भी देख लो कार्विंग होती थी, लोग कैसे मोल्ड वगैरह में इसको ढाला करते थे। ये टूटी हुई सुराही, इसको दोबारा से जोड़ा गया। ये पहले के चेस राजा, ऊपर जितने भी राजा लोग हैं। ये देखना है 9, 7, 8, 9, 7 में है ब्रेसलेट। कितनी छोटी सी है सुराही भाई, लिटरली पहले के समय के बर्तन यहाँ का जब। और ये कुछ सिक्के 4 नंबर। तो यही थी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट में जो मिला था, ये उस समय के दरवाजे। ऊपर देखते हैं क्या है, क्या नहीं है। ये है हिस्ट्री ऑफ बुखारा खानात एम्पायर, और ये तो एग्जिट के लिए है। इतना सॉफ्ट है, सिल्वर कॉइन्स। सुराही देख लो भाई, ये उस समय का भाई है जब। ये थी ढाल, और ये यार हेड पहनने के लिए। ये भी सारे देखो कॉइन्स हैं, अगेन ये भी बहुत सारे कॉइन्स। ओके ये देखो आमिर की पूरी हिस्ट्री, आर्म्स एंड आर्मर, पूरी आर्मर दी हुई भाई, गजब यार। लोहे की पूरी है, देख रहे हो, लोहे का पूरा कैप, लोहे का पूरा भैया ढाल। और ये देखो गजब आर्मर था 18th-19th century का। ये मेटल बुखारा जग, ये जग हुआ करता था देखो मेटल का। ये तोप के गोले वगैरह मारने के लिए, ये गन्स जब उस समय इस्तेमाल हुआ करती थी, लकड़ी और लोहे को मिला के। ये रही उस समय की पूरी सेना। दिस इज हाउ पेन और इंक का रख रखाव किया जाता था, कैसे वो लिखते थे। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कठपुतली का शोज वगैरह होते थे तो। और ये उस समय की पोशाक, एक बड़ा सा हॉल काइंड ऑफ है जिसे दरबार आप कह सकते हो, दरबार हुआ करती थी। देख रहे हो भाई क्या कलाकृति है, अभी तक जीवित है चीज़ें भाई, मैं तो एकदम अमेज हो जाता हूँ चीज़ें देख के। और ये रहा स्टेज जहाँ पर राजा बैठा करते थे भाई, गजब। ओ माय गॉड, तलवार देख रहे हो भाई, भाई अच्छी खासी बड़ी है तलवार। ये सारी पोशाकें वगैरह रखी गई हैं ऐसी, तलवार भाई बहुत बड़ी है और हैवी भी है। पहले के लोग कैसे उठाया करते थे, 10-10 किलो की तलवारें सी। चलते हैं फाइनली नीचे, क्योंकि कवर कर लिया पूरा। अब आपको मिलते हैं मॉस्क पे।